हेलो नमस्कार दोस्तों, आपने इससे पहले जो वीडियो देखा था रिमोट डेस्कटॉप, उसके जगह पर मैं आज एक और वीडियो आपके सामने लाया हूँ। वो वीडियो है एनी डेस्क। एनी डेस्क में मैंने जैसा कि बताया था, इसमें आप कहीं से भी कोई भी सिस्टम को रिमोट पे ले सकते हैं, अपना डेस्कटॉप का स्क्रीन दूसरे लैपटॉप में शेयर कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं दोस्तों। केवल आपको नेट होना चाहिए उसमें, ब्रॉडबैंड हो, डोंगल हो, कोई भी नेट काम करेगा इसमें। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है दोस्तों। तो मैंने एक डेमो तैयार किया हुआ है यहाँ पे, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है एनी डेस्क करके, वो आपको अपने लैपटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना होगा। ये सॉफ्टवेयर दोनों लैपटॉप, मतलब जिस तरफ से आप रिमोट ले रहे हैं और जहाँ रिमोट लेना है, दोनों में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये देखिए एनी डेस्क है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। और ये देखिए डाउनलोड हो गया, ये यहाँ से एनी डेस्क डाउनलोड कर लिए हैं। इसके नीचे शो हो रहा है यहाँ, अब इसे इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे इसको इंस्टॉल किया जाएगा, आईडी मिलेगा आपको, उस आईडी को आपको वहाँ डाल देना है जहाँ आप रिमोट लेना चाहते हैं, सिस्टम में बताना होगा आपको। उस आईडी को वहाँ जैसे ही डालिएगा, वो आपको ऑप्शन मांगेगा दोस्तों एक्सेप्ट का, आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, आपका रिमोट शेयर हो जाएगा। आप इस जो रिमोट का ये प्रोसेस है, उसमें आप देखें कि ये रिमोट में आपको स्क्रीन आप देख सकते हैं जो आप काम हो रहा है आपके अदर साइड में, उस साइड का स्क्रीन आप अपने लैपटॉप में आराम से देख भी सकते हैं कि क्या काम हो रहा है वहाँ रिमोट पे लेकर के। तो देखिए दोस्तों, ये आईडी यहाँ मैंने डाला, ये कनेक्ट का ऑप्शन आया। अब उस तरफ जो रिमोट जिसे हमें लेना है वो एक्सेप्ट जैसे करेंगे, हमें यहाँ पे अलाउ एक्सेस का ऑप्शन टिक करना है। ये देखिए वहाँ का विंडोज़ हमारे सामने आने लगा दोस्तों। ये देखिए ये जो ऊपर विंडोज़ दिख रहा है आपको, फोल्डर क्रोम, ये अदर साइड का है। ये हमारा मेन विंडोज़ नीचे दिख रहा है, क्रोम फोल्डर वगैरह। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज सीखा किस तरह से एनी डेस्क से हम रिमोट पर आसानी से रिमोट ले सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप ज़रूर मुझे शेयर करके बताइएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ रिमोट डेस्कटॉप दिख रहा है, अदर विंडो है ये। इसी के साथ दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मैं सुजीत कुमार आपसे विदा चाहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।